जननायक जनता पार्टी का उस समय अगर कैंडिडेट होता तो इसमें कोई दोराय नहीं कि वो कैंडिडेट बड़ौदा इलेक्शन जीत पाता इस गठबंधन के। और मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ जिन्होंने बड़ा विश्वासघात किया, जो जेजेपी का स्टैंड होगा वो हमारी पार्टी उस पर जल्द फैसला करे। अगर वो चाहते हैं कि वो बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा हो, और अलायंस जब सरकार इतनी मजबूती से चल रही है, दो इलेक्शन इतने कॉन्फिडेंस में एक दूसरे के साथ लड़े हैं, तो तीसरा इलेक्शन भी हम उसी रूप में देखेंगे। सुरजा खेड़ा और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बागी सुर अपनाते हैं पार्टी के लिए, आप लोगों ने बड़ा एक कड़ा रुख अपनाया है कि अब जो ऐसा करेगा तो बाहर का रास्ता बेशक है। कहीं भी अगर कोई खुल के आपका विरोध ही करने लग जाएगा, खिलाफत ही करेगा, तो आप क्या उसकी मुंह की तरफ थोड़ी देखोगे बैठ के। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बाई इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज की हमारी खास मुलाकात में दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर आदमपुर का जैसे ही रणघोष हुआ है और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ से लगातार चुप्पी आ रही है, क्या वजह? नहीं कोई ऐसी वजह नहीं है। अभी हमारी पार्टी की कल बैठक है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसमें हमारे पॉलिट ब्यूरो के, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सभी सदस्य हैं उनको इन्वाइट किया गया है और बैठ के इलेक्शन पे सारी चर्चा होगी। कोई भी इलेक्शन जो होता है ये बहुत क्रुशल होता है और उस इलेक्शन पे चर्चा पार्टी की सीनियर लीडरशिप ही करती है, वही फैसला करती है। सर बड़ी बात है, बड़ौदा इलेक्शन जब हुआ तो कहीं ना कहीं जेजेपी इस उसमें थी कि जेजेपी ये सीट निकाल सकती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जेजेपी के ऊपर था कि जेजेपी का कैंडिडेट उतार सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद हमने देखा इलाहाबाद आया है और अब ये आदमपुर का चुनाव आया है। जननायक जनता पार्टी का उस समय अगर कैंडिडेट होता तो इसमें कोई दोराय नहीं कि वो कैंडिडेट बड़ौदा इलेक्शन जीत पाता। अगर हमारा कैंडिडेट होता या सिंबल उनका होता, या सिंबल हमारा होता कैंडिडेट उनका होता, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता। इनफैक्ट जो बीत गया सो बीत गया, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उन पर चर्चा जितनी देर की जाए। इलाहाबाद का इलेक्शन रहा, इलाहाबाद में कुछ लोग ऐसे ही थे इस गठबंधन के, और मैं तो खुले तौर पर कहता हूँ जिन्होंने बड़ा विश्वासघात किया। जेजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना कैंडिडेट मान करके चुनाव लड़ा, मगर फिर भी कुछ लोग जो दूसरे उधर थे वो जो है ना पीछे हट गए। उनकी शायद कांडा जी से नहीं बनती थी या कोई और संदेश देना चाहते थे। तो इसलिए कोई भी बाई इलेक्शन, देखो हमारी मेरी जितनी राजनीतिक समझ है 10 सालों में जो हमने देखा है, वो इलेक्शन कभी भी वन वे नहीं जाता और लास्ट में जा करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और भिड़ंत सिर्फ दो ही लोगों के बीच में रह जाती है, तीसरे और चौथे की कोई लड़ाई नहीं होती। आपने जींद में देखा, आपने इसमें जो है ना इलाहाबाद में देखा, ऐसे ही आपने बड़ौदा में देखा। तो ये टक्कर भी अगर होगी तो दो ही लोगों के बीच में होगी। तो इसलिए जो है इस इलेक्शन के बारे के अंदर भी जो जेजेपी का स्टैंड होगा वो हमारी पार्टी उस पर जल्द फैसला करेगी। दो बहुत बड़े चुनाव थे, जींद में भी आप लोगों ने दूसरे नंबर पर रह के दिखा दिया था कि इतना पोटेंशियल है और बड़ौदा में भी इसी तरह का माहौल था, लेकिन अभी तक देखिए बीजेपी ने कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। क्या कोई बैठक, कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी इस बारे में कोई बातचीत या कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाया। कल मैं देख रहा था कि धनखड़ साहब का एक सकारात्मक बयान आया, मगर वहाँ पर जो हमारा काडर है, देखिए दुष्यंत जी को वहाँ पर लगभग 50,000 वोट भी आए हैं और कम से कम बुरे से बुरे समय में भी, चाहे इनेलो रही चाहे जेजेपी रही, 20,000 से कम तो कभी भी वहाँ वोट बैंक नहीं रहा। ऐसे में जेजेपी का एक बहुत अहम रोल है और इसमें कोई दोराय नहीं कि जो है ना इस पर डॉक्टर साहब जो निर्णय लेंगे तो वो एक बड़ा निर्णय। एक बहुत बड़ी बात है, इन लोग कह सकते हैं कि दिलवाल परिवार का काफ़ी प्रभाव भी उस सीट पर रहा है। और ऐसा नहीं लगता आपको कि कुलदीप बिश्नोई कहें या फिर बीजेपी कहें, उनको चाहिए था कि उस परिवार को साथ लेके चलें ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाएं? देखिए करना उन्हें ऐसा ही चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं। अगर वो चाहते हैं कि वो बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा हो, और अलायंस जब सरकार इतनी मजबूती से चल रही है, दो इलेक्शन इतने कॉन्फिडेंस में एक दूसरे के साथ लड़े हैं, तो तीसरा इलेक्शन भी हम उसी रूप में देखते हैं। एक बहुत बड़ी बात थी जिस तरह से आप कह रहे थे कि धनखड़ साहब का एक पॉजिटिव बयान आया, लेकिन उससे पहले भी जो निर्दलीय हैं वो कहते हैं हरियाणा प्रभारी विपिन लबदेव को कि आप उनके साथ। अब ये निर्दलीय कौन कौन हैं, आप उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के देखिए कि बेचारे कितने हाशिए पर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से मेजॉरिटी अपनी जमानत भी बचा सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहूँगा, वो तो डेवन से ही कर रहे हैं प्रयास, आज से थोड़ी कर रहे हैं।
जब से सरकार बनी है वो तो ये सोचते हैं कि ये एग्जिट हो जाए और तुम तभी तो तुम्हारी पूछ होगी। तो वो सबका अपना, देखिए राजनीति है और ये, तो ये सब इसको समझते हैं। अच्छा, आदमपुर के लिए अभी आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? नहीं, प्लानिंग नहीं, हमने कल मीटिंग बुलाई है। हमारी जो उच्च स्तरीय जितने भी नेता हैं वो कल आकर के बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और कल के बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने रखेंगे। सुरजाखेड़ा और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बागी सुर अपनाते हैं पार्टी के लिए, आप लोगों ने बड़ा एक कड़ा रुख अपनाया है कि अब जो ऐसा करेगा तो बाहर का रास्ता बेशक जाए। ऐसा है, सभी विधायक हमारे हैं, कोई बेचारे किसी के बहकावे में आ गया, कोई किसी के दबाव में आ गया। सुरजाखेड़ा जी किस दबाव में है मैं उस पर चर्चा तो नहीं करूँगा, बाकी चर्चा बहुत सारी चल रही है नरवाना के अंदर भी, आसपास के इलाके में, कि उन पर कोई इस तरह का दबाव बनाया गया जिससे उनने एकदम अपना रुख बदल लिया। तो सुरजाखेड़ा जी जो है वो उनने गलत अगर कोई इस तरह का निर्णय लिया तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, ये तो ऐसा तो है ही कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कहीं भी अगर कोई खुल के आपका विरोध ही करने लग जाएगा, खिलाफत ही करेगा, तो आप क्या, आप उसकी मुंह की तरफ थोड़ी देखोगे बैठ के। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आदमपुर को लेके अब क्या आप सोचते हैं कि किस तरह का माहौल हो सकता है? मैं क्या इतना जो जिस तरह से वो जीत का एकदम से आश्वासन मान के चल रहे हैं कि हाँ वी आर विनर, ऐसा पॉसिबल है? मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बाई इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी जनता परमात्मा का रूप है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ना तो मैं आदमपुर का वोटर ना आप, वो तो आदमपुर के वोटर ने फैसला करना है। बाकी नहीं, जींद में तो आपने कमाल दिखा दिया था, जींद में आपको सबसे लाइट मान रहे थे, कह रहे थे बच्चे आए चुनाव लड़ने। मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी चुनाव को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, अगर कोई अदरवाइज लेता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।